नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल नंबर 10 पर हाजिर हैं हम कक्षा 10वीं का लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर। विषय है हिंदी और आज आप पढ़ने जा रहे हैं झेन की देन। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। आप भी हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप फोन नंबर का प्रयोग करेंगे जो कि है 8800440559, या चाहें तो इस क्लास की हमारी जो ईमेल आईडी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कोई जिज्ञासा है तो जरूर लिखिएगा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है ईमेल आईडी। तो झेन की देन पढ़ने के लिए हमारे साथ आप जुड़े, ऐसी हमारी आशा है। हमारे साथ हमारी जो एक्सपर्ट है वो स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर अपला भार्गवी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप पूर्व हिंदी शिक्षिका हैं, सरदार पटेल विद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अपला जी, ये झेन की देन जो है क्या है, पहले तो ये जान लेना बहुत आवश्यक है। और इसको जानने से पहले जी मैं चाहूंगी कि आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊं। अच्छा, तो यानी कि आपकी जो क्लास है वो लाइव इंटरैक्टिव के साथ अपला जी आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आई हैं। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखें, ये वीडियो दिखाई दे रहा है, मैं इसको प्ले करता हूं। तो ये मुझे लग रहा है कि जो पोशाक से यदि मैं अंदाजा लगाऊं, हाँ। तो ये जापानी वेशभूषा दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, तो ये वीडियो भी ये जापान से जुड़ा हुआ जी। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो पाठ भी जापान की एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृति जो वहां के कल्चर का हिस्सा है उसका उसका जिक्र है इस पाठ में। ठीक है। और हमने जो देखा वो उसी उत्सव की, उसी सेरेमनी की बात ये इस वीडियो में हमने देखा। ठीक है। अब ये है कि पाठ में शब्द है झेन, उत्सुकता होगी ये झेन है क्या। बिल्कुल। तो झेन को लेकर के सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये पाठ एक संस्मरण की तरह है। ठीक है। और इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर एक बार जापान की यात्रा पर जाते हैं। ठीक है। वहां जाकर के उन्होंने जो महसूस किया, जो घटनाएं देखी, जो समाज के अंदर उन्होंने बजता हुआ देखा, जिन घटनाओं को, उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ जोड़ा है। ठीक है। अब रविंद्र केलेकर के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। रविंद्र केलेकर कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम, गोवा के मुक्ति संग्राम से जुड़े रहे, आधुनिक कोंकणी आंदोलन के इन्हें प्रणेता माना जाता है। और
इसके बाद जो उनकी उसके बाद की जो विशेषता है, कोंकणी हिंदी मराठी में उनकी 32 से अधिक मौलिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी सबसे खूबसूरत बात इनके लिखने की है कि कम शब्दों में, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में बहुत सी बातों को ये समेटते जाते हैं, यानी गागर में सागर भरने की तरह ये काम बिल्कुल। तो इसके बाद जो है, यदि हम उनकी बात करें, जैसे आपने कोंकण का जिक्र किया, और कोंकणी हो, हिंदी हो या फिर मराठी हो, इस प्रकार की जो भाषाएं होती हैं उस पर जब लेखक की पकड़ होती है तो वो सरल भाषा में अपनी बात लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो अपला जी ने बताई कि वो कम शब्दों में अपनी पूरी बात लिखते थे, और किसी भी अच्छे लेखक की यही पहचान होती है। और वो जनमानस से जुड़ी हुई भाषा लिखते हैं, जैसे कि वो दक्षिणी गोवा में उनका जन्म हुआ तो वहाँ पर जो है मराठी और कोंकणी ज़्यादा चलती है, लेकिन चूंकि हिंदी का एक व्यापक रूप भारत में सभी जगह पाया जाता है तो लेखकों के लिए हिंदी से जुड़ना बेहद आसान होता है, और वो हिंदी में भी अपनी रचनाएं आसानी से लिख सकते हैं और सरलता से अपने भाव व्यक्त करते हैं जो हम तक पहुंचते हैं। और जब पाठक के पास इतना अच्छा लेखन पहुंचता है तो वो सीधे उनके दिल में घर कर जाता है, और यही हम सब के साथ उन्हें जोड़ता है। अपला जी, अब यदि आप पाठ पर आते हैं जी, इसमें झेन शब्द का हम थोड़ा विस्तार से अर्थ समझें जी। बौद्ध ध्यान पद्धति है झेन। झेन को अंग्रेजी में ZEN यानी ज़ेन भी कहा जाता है, ठीक है। जापानी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो ध्यान है। अच्छा। और इसकी शुरुआत महाकश्यप ने की थी, तथा यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। वस्तुतः यह जापान के सेमुराई वर्ग का धर्म बना। सेमुराई को माना जाता है कि यह योद्धाओं का समाज है जी, बहुत बहादुर कौम के रूप में जाना जाता है। के नाम से जानते जी है। बिल्कुल। झेन का विकास चीन में लगभग 500 ईस्वी में हुआ, और यह 1200 ईस्वी में जापान में फैल गया। अब झेन चूंकि ध्यान पद्धति है, इसलिए इसे जापानियों को टी सेरेमनी का या चा नो यू के माध्यम से ही सही आपाधापी भरे जीवन में से बाहर निकल सिर्फ वर्तमान को ही जीना, अर्थात जिस क्षण में है बिल्कुल उसी क्षण में पूरी तरह से विचार शून्य हो जीने की कला सिखाई है। अच्छा, तो यानी कि अब ये जैसे आपने कहा कि झेन जो है ध्यान को कहा जाता है, तो ये यानी कि ध्यान की देन है। इस पाठ का यदि हम वो करें विश्लेषण, तो ध्यान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म की भी यहाँ पर बात की, ये सभी वो धर्म हैं जिन्होंने शांति को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित किया, और मानव जीवन में शांति की जो महत्ता है उस पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि इतना बल दिया कि आज पूरी दुनिया, भारत की जो विश्व धरोहर है, हम कह सकते हैं कि योग और योग शक्ति के रूप में उसका लोहा दुनिया मान रही है। अभी हमने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। बिल्कुल। तो हम ये झेन की देन पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को बहुत ही संक्षेप में मैं ये बताऊं कि रविन्द्र केलकर जब जाते हैं जापान, वहां उन्होंने महसूस किया जी कि यहाँ बहुत लोग इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में है कि लोग वक्त नहीं दे पाते एक दूसरे को। अच्छा। और इससे एकांत की तरफ लोग चले जा रहे हैं, और एकाकीपन है लोगों के जीवन में, इसकी वजह से लोग मनोरोगी की तरह, यानी एक खास तरह के डिप्रेशन के शिकार लोग दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि अरे, यहां अचानक उनके कुछ मित्रों ने कहा कि चलो एक यहां टी सेरेमनी है जिसको कहा जाता है चा नो यू, नाम है उस संस्कृति का, ठीक है, उस टी सेरेमनी का चा नो यू भी कहते हैं, वहां लेकर जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि जो चाय कहने के लिए, अगर हम भारत में देखें या कहीं भी देखें, तो चाय पीने की क्या, हम फटाफट हमने चाय बनाई और पी लिया हमने, तो उसमें वो चाय, ठीक है हम गॉसिप करते हैं, लेकिन यहाँ जो टी सेरेमनी होती है वहां हम गॉसिपिंग के लिए वो अवसर नहीं होता, वहां अपने आप में डूबने का वो अवसर होता है। ध्यानात्मक ध्यानात्मक पद्धति है जी, कि उसको हम सिर्फ
आपस में वहां देखा हमने उस वीडियो में तीन ही लोग हैं जी जी, ये तीन लोग ही उस सेरेमनी में हैं, आपने वो बात भी नहीं कहा। हाँ, शांति कितनी व्याप्त है वहां पर, और जो पानी का प्रयोग हो रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं उसकी भी आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है कि वाकई में एक अपने आप से जब आप बात करना चाहते हैं तो आपको शांति की तलाश होती है, एक ऐसे माहौल की, एक ऐसे मुझे लगता है समय काल की जरूरत होती है जब आप के आसपास कोई और आपाधापी ना हो, कोई शोर ना हो। तो मुझे लगता है कि वो उस क्षण को जी रहे थे जिसे हम वर्तमान कहते हैं, और उन्हें ना तो भूत की अपनी चिंता थी और ना ही अपने भविष्य की कोई ऐसी चिंता सता रही थी कि हम कल क्या करेंगे। हाँ। वो सिर्फ केवल और केवल अपना वर्तमान जी रहे थे जी। वहां जाकर के वहां वो जाते हैं और देखते हैं कि टी सर्व करने का एक खास तरीका है जी, और लोग आपस में बिना बात किए किस तरीके से एकदम, यहाँ पर एक जिक्र आता है जी कि दो जो आपस में एक खास तरह की चटाई बिछाई जाती है, उस चटाई पे सब लोग बैठते हैं, अंगीठी सुलगाई जाती है, उस पर चायदानी रखी जाती है, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आता है जो चाय सर्व कर रहा होता है, तौलिए से बर्तन को खास तरीके से साफ करता है। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता मानो जय जय वंती राग बज रहा हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था जी। ये उस पूरी प्रक्रिया को ये बताते हैं ठीक है। चाय तैयार होती है और सब लोगों को सर्व किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस इसको वो इसके जिसकी वो चर्चा करते हैं। अब ये पूरे सेरेमनी को इस तरीके से देखा जा रहा है, इस सेरेमनी को इस तरीके से देखा जा रहा है मानो अपने अपने को स्वस्थ करना है लोगों को। ये स्वस्थ किस तरह से, अपने तनाव से अपने को मुक्त करना है लोगों को। अब हम पाठ को इस रूप में देखना चाहते हैं कि बच्चों को इसके बारे में बताने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हम सब बच्चे, जो बच्चे हैं, हम बड़े भी, हम ये फील करते हैं, हमें हमारे लाइफ में खास तरह की भागदौड़ है, हम महसूस कर रहे हैं कि उस भागदौड़ के बीच अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। नहीं अगर वक्त निकालेंगे तो हम चीजों में उलझे रहेंगे, हमें लगेगा कि हमें ये अचीव करना है। थोड़ी सी अचीवमेंट से मुक्ति चाहिए हर व्यक्ति को, एकांत चाहिए। ये नहीं होगा तो हम एक खास तरह के डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये ना हो, इससे हम बच सकें, इसीलिए इस पाठ को हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। झेन यही देन, झेन की यही उस समाज को देन है जी। समाज झेन ध्यान की पद्धति है, इसलिए उस पद्धति को इन लोगों ने कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया, उनके पास इतना वक्त नहीं था तो एक छोटा सा अवसर निकाला आपस में मिलने का, लेकिन उसमें आपस की आपसी बातचीत नहीं, हम अपना हर आदमी वहां जो बैठता है, जितने लोग बैठते हैं वो एक दूसरे के लिए वक्त नहीं, खुद के लिए वक्त निकाल रहे होते हैं। अब हमें इस पाठ को, मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे तीन चार बातें बतानी है आपको। एक तो पहले कि मानसिक अगर किसी तरह का तनाव है तो इसको लेकर किसी से शेयर करने में संकोच नहीं होना चाहिए, इसे हमें लोगों से बताना चाहिए। बेसिकली तनाव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पॉजिटिव तनाव जिसमें मुझे लग रहा है कि आज ये काम मुझे किसी भी तरह से बेहतर तरीके से कर देना है, तो ये कैसे हो सकता है, तो उस सिचुएशन में जो तनाव हमारा बन रहा होता है वो तनाव ऐसा होता है कि काम को हम बखूबी कर रहे होते हैं। नकारात्मक तनाव ऐसा होता है कि उसमें हम रोजमर्रा की भागदौड़, काम और अपेक्षाएं, ये कब होता है, जब हद से ज्यादा तनाव बढ़ जाता है और काम हम अनर्गल हम अपेक्षाएं कर लेते हैं, जैसे अनावश्यक तरीके से आपकी जो अपेक्षाएं बढ़ रही होती हैं, जरूरत नहीं कि आज हमें
बच्चों को जैसे लगे कि ये नहीं चाहिए आज मुझे कि मुझे पिज्जा ही खाना है, ये लेकिन मुझे खाना है, ये अनर्गल तनाव है, अनावश्यक रूप से अनावश्यक तनाव को न आने, न्योता बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये न्योता देते हैं जी। तो यहां पर अगर नकारात्मक आता है तो वो तनाव खतरनाक है आज। और तीसरी बात जो आती है कि ये कब होता है, आपाधापी भरे जीवन में तनाव और बेचैनी, क्या इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करते हैं। मेंटली आप अपसेट है तो आप कोई भी काम बखूबी नहीं कर सकते, सुंदर तरीके से अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तनाव को कैसे कम करें, ये साइकोलॉजी का विषय है, लेकिन आज के समय में हर विषय को हम दूसरे विषय से जोड़ते हैं, जोड़कर देखना है। हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम साहित्य को देखें, हम जीवन के और भी पक्षों को देखें। तो ये पाठ बेसिकली मनोविज्ञान को, हमारे मनोविज्ञान को जो की तरफ ले जा रहा है। मानसिक रूप से हम स्वस्थ हो, फ्री हो, फ्री माइंड से हम अगर क्लास में भी अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे तो हम बेहतर तरीके से उस पाठ को समझ सकते हैं। तो इस समय अगर अगर मान लीजिए आप अपसेट हैं, तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि तनाव के वक्त अपना मनपसंद काम करिए। जब लगे कि आज मैं बहुत थक गया हूं तो वैसे में मनपसंद काम कीजिए, किसी करीबी व्यक्ति से बात करिए, थोड़ा रुक कर खुद के ही साथ समय बिताइए। मतलब कि अब जो काम कर रहे हैं, यह हो सकता है कि हम कहीं निकल गए किसी पार्क में कोने में जाकर थोड़ी देर हम बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठेंगे तो अपने आप को हम समझ, और उस समय बिल्कुल किसी चीज की चिंता मत कीजिए। यह मत सोचिए कि परसों होने वाली या मंडे टेस्ट में मेरा क्या होगा। उस समय उस मंडे टेस्ट के लिए ये आप एक खास तरह की तैयारी कर रहे होते हैं, मेंटली आप अपने आप को समझ रहे होते हैं। तो ये काम, तमाम चीजों से बाहर निकल, सिर्फ उस पल को, पार्क में बैठे हैं, किसी अकेले बैठे हैं तो सिर्फ आसपास के पेड़ पौधे, घास को, घास पर बैठे हैं तो घास को, मतलब जहां है उस क्षण को सुंदर तरीके से आप जी लीजिए। अब उसके बाद अतीत और भविष्य से जुड़े विचारों को रोक, सिर्फ वर्तमान को ही जीना, अर्थात जिस क्षण में है बिल्कुल उसी क्षण में पूरी तरह से विचार शून्य होना, यानी कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको अपने को समेटना है। उद्देश्य क्या है, तमाम तरह के तनाव से को छोड़ शांत होकर मेडिटेट करना है। इसकी वजह क्या है, ताकि आप फिर से अपने को रीजनरेट कर सकें। रीजनरेट होना समय की मांग होती है, जब तक आप अपने को फिर से फ्रेश नहीं फील करते तब तक आप अपने को वक्त दीजिए, किसी से बात कीजिए, गाना सुनिए, संगीत सुनिए। अब इसी में देखिए संगीत की एक चर्चा आती है, जय जय वंती राग की बात आती है। जय जय वंती राग हिंदुस्तानी संगीत का एक बहुत ही सौम्य और लयात्मक राग है। इसमें बहुत खूबसूरत रे, कई लोगों ने इसको गाया है, बजाया भी है हिंदुस्तानी राग को। तो जिंदगी को, वस्तुतः जिंदगी को भी इतने ही लयात्मक तरीके से बजना चाहिए हर व्यक्ति के जीवन को। और यही झेन ने इसी तरीके से जापानी संस्कृति को, जापानी लोगों को के जीवन को सुंदर तरीके से बजने का मौका दिया। तो इस पाठ में सिक्का उद्देश्य यह है, इस पाठ को हम इस तरीके से अगर देखते हैं जी तो बेहतर है, क्योंकि हमें एक तरह से बच्चों के लिए समझना, सिर्फ भारत ही आज भारत इस दौड़ भाग में है जी। कई समस्याएं आप सुन रहे हैं, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो कई तरह के घर के अंदर तनाव है बच्चों में। और अभी कोविड का टाइम निकला, उसके बाद तो और दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है जी। तो अपने को फ्रेश कीजिए, हर वक्त फ्रेश रखिए, पढ़ा जो काम कर रहे हैं उसमें डूबिए, बेहतर तरीके से अपने को प्रेजेंट कीजिए। ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था।
चलिए, तो मुझे लगता है हमारा पाठ यहाँ पर बच्चों को समझ में आया होगा कि जो झेन है, जो ध्यान की देन है, वो उसे समझें और कैसे अपने आप को एकाग्रचित रख सकते हैं, उस पर ध्यान दें। ये पाठ जो आपने आज पढ़ाया, मुझे लगता है यहाँ पर हमें अपना सत्र समाप्त करना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट का समय है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल, अब तो नया तरीका भी आ गया पढ़ने का, 12th की उस तरह से मारामारी नहीं रही, CUET और इस तरह के भी एग्जाम परीक्षाएं आ गई, तो आप तमाम तरह की भागदौड़ से अपने को बचाएं और बचाते हुए जो कर रहे हैं, जीवन को सिर्फ ये ना देखें आप कि जीवन में यही एक काम है, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर और कुछ खास ही फील्ड नहीं है। जितना खोलेंगे आप अपने आप को, जितना ओपन करेंगे, जिस फील्ड में जाना चाहेंगे उस फील्ड में आप बखूबी कर जा सकते हैं और जो करना चाहेंगे वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को ये समझना चाहिए कि घूमना फिरना ये भी आपके डेवलपमेंट का, आपके विकास के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, और इस प्रकार का जो विकास है वो बेहद आवश्यक है क्योंकि आप एक सकारात्मक दिशा में बढ़ें, यही उद्देश्य रहता है आपके विद्यालय का, आपके शिक्षकों का और आपके माता पिता का, ताकि आप आगे जीवन में बेहतर कर सकें। अपला जी, आप यहाँ तक आई, आपने झेन से हम सबका साक्षात्कार कराया, बताया कि कैसे रविंद्र जी वहाँ गए और उन्होंने वो संस्मरण लिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। थैंक यू। हमारा ये हिंदी का सेशन यहीं समाप्त होता है, आप कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में लौटते हैं हम अगला सेशन लेकर। देखते रहिए PM E Vidya Channels और NCERT का ऑफिशियल YouTube चैनल। नमस्कार।